हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम प्लस अकेडमी आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारे अप्रैल मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का पार्ट वन. आज हम इसका पार्ट वन डिस्कस करेंगे जल्दी मैं इसका पार्ट टू भी आपके लिए लेके आऊंगी वीडियो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही बाय मिलेगी कंटेंट भी जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा आपको जो लैंग्वेज सुटेबल है आप पढ़ सकते हैं और इसका कंप्लीट पीडीएफ आप लोग हमारे लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट थ्री आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं अप्रैल मंथ का हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का कंप्लीट पीडीएफ वीडियो हमारे तीन पार्ट में आएगी पूरी अप्रैल मंथ की बैंकिंग है फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री ठीक है पार्ट वन डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है यह क्वेश्चन में पूछा गया है राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका नीरज निगम नीरज निगम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑन अप्रैल थर्ड द आरबीआई अनाउंस द नीरज निगम हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यानी कि ईडी किसके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या नाम है इनका नीरज निगम नीरज निगम वॉज रीजनल डायरेक्टर ऑफ द भोपाल ऑफिस ऑफ द Reserve Bank of India ने appoint किया है अपना डायरेक्टर उनका नाम क्या है नीरज निगम ठीक है इससे पहले भोपाल ऑफिस में थे नीरज निगम आरबीआई मेड दिस अनाउंसमेंट थ्रू प्रेस रिलीज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वट इज पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी तो मोबाइल तकनीक पर पिन किया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है राइट right आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स पेमेंट थ्रू अ पिन एंटर ऑन ए मोबाइल डिवाइस तो वट इज अ पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में पिन क्या होता है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो मोबाइल टेक्नोलॉजी में पिन होता है दैट इनेबल्स पेमेंट थ्रू अ पिन एंटर ऑन ए मोबाइल डिवाइस तो क्या अगर पूछा जाएगा आपसे कि वट इज पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी क्या बोलेंगे तो ए टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स पेमेंट थ्रू अ पिन एंट्रोड ऑन ए मोबाइल डिवाइस एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था न्यूज जो है वो ये थी कि एक्सिस बैंक ने ये एक्चुअल में न्यूज ये है इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया गया है कि एक्चुअल में होता क्या है पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी तो एक्सिस बैंक और वन ऑफ इंडियास टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक है एक्सिस बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है एक ग्राउंड ब्रेकिंग पेमेंट सॉल्यूशन कॉल्ड माइक्रो पे इन कोलैबोरेशन विद टेक्निकल पार्टनर्स इजिट ए बाय रोजर पे एंड माय पिनपेड तो एक्सिस बैंक ने रिजर्व पे और माय पिनपेड द्वारा टेक्निकली यानी कि तकनीकी भागीदारों के सहयोग से माइक्रोपे नामक एक शानदार पेमेंट सॉल्यूशन पेश किया है क्या नाम है इसका इस पेमेंट सॉल्यूशन का इसका नाम है माइक्रोपे किसने किया है एक्सिस बैंक ने किया है ठीक है ये एक्चुअल में यूसी तो जो बैंकिंग न्यूज थी इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनाया है कि वट इज पिन ऑन मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरव्यू में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो याद रखना है क्या होता है मोबाइल टेक्नोलॉजी सिंपल लैंग्वेज में टेक्नोलॉजी दैट इनेबल्स पेमेंट थ्रू अ पिन एंटर्ड ऑन अ मोबाइल डिवाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल द एनपीसीआई इंप्लीमेंटेड इंटरचेंज फी ऑफ अप टू कितना परसेंट फॉर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज इन मर्चेंट यूपीआई ट्रांजेक्शन ठीक है तो ये काफी न्यूज में रहा था सबको पता होगा लेकिन क्वेश्चन कवर करना मेरा काम है तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है इसमें क्या राइट right आंसर हो जाएगा आपका वन पॉइंट वन परसेंट इज द राइट आंसर तो एक अप्रैल से एनपीसीआई ने मर्चेंट यूपीआई लेन देन में उपयोग किया जाने वाले प्रीपेड भुगतान उपकरणों के लिए 1.1 परसेंट तक का इंटरचेंज शुल्क लागू किया है कितने परसेंट किया है 1.1 परसेंट कब से एक अप्रैल से किसने एनपीसीआई ने ठीक है Starting from 1st April the NPCI has implemented interchange fees up to 1.1% for prepaid payment instruments used in merchant UPI transactions the fee ranging from 0.5% and based on the merchant category code will be charged for UPI payments exceeding rupees 2000 थाउजेंड में टू ऑनलाइन मर्चेंट्स लार्ज मर्चेंट्स एंड स्मॉल ऑफलाइन मर्चेंट्स ठीक है तो ऑनलाइन मर्चेंट्स और बड़े जो भी मर्चेंट्स छोटे ऑफलाइन मर्चेंट्स को किए गए 2000 से अधिक के यूपीआई पेमेंट के लिए 0.5 परसेंट से लेकर और जो भी व्यापारी यानी कि बिजनेस कैटेगरी कोड के आधार पर शुल्क किया जाएगा ठीक है ये बताया गया है इसमें याद रखना है कितना है वन कब से लागू

तो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है द न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज ऑल्सो नोन एज द ब्रिक्स बैंक आपको पता है ब्रिक्स बैंक को ही न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी बोला जाता है एनडीबी है या ब्रिक्स बैंक है एक ही बात है ठीक है एंड इज द मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय ब्राजील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका ब्रिक्स हो गया ना ब्रिक्स नेशन तो पता होंगे कौन कौन से हैं ब्राजील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका द ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट डेलमा वाना रोजेफ हैज बीन इलेक्टेड एज इट्स न्यू प्रेसिडेंट इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये है डेलमा रोजेफ जो ब्राजील जो ब्राजील कंट्री है उसकी फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी है ये हैं डेलमा रोसेफ जिनको एनडीबी का नया प्रेसिडेंट अनाउंस किया गया है घोषित किया गया है बनाया गया है ठीक है नियुक्त किया गया है या फिर चुना गया है सभी चीजों में हो जाएगा तो एनडीबी जिसे ब्रिक्स नेशन या सॉरी ब्रिक्स बैंक के रूप में भी जाना जाता है और ब्राजील रसिया इंडिया चाइना और साउथ अफ्रीका द्वारा बनाई गई एक बहुपक्षीय वित्तीय संस्था है और नए राष्ट्रपति की घोषणा की है ब्रिक्स बैंक ने वो ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा वाना रोसेफ को इसके लिए गया है याद रखना है ब्रिक्स नेशंस जो है उसके नए प्रेसिडेंट अनाउंस हुई हैं इनका नाम है डेलमा रोजेफ जो ब्राजील की फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं इस पिक्चर में आप देख सकते हैं फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील फॉर टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स फ्रॉम जनवरी टू थाउजेंड इलेवन टू अगस्त टू थाउजेंड सिक्सटीन ठीक है तो इन्होंने किसको रिप्लेस किया है क्या नाम है उनका मार्कस ट्राइजो ठीक है तो मार्कस ट्राइजो की जगह लेंगे इकोनॉमिस्ट है जिन्होंने जनवरी 2011 से अगस्त 2016 तक लगातार दो बार ब्राजील के संघीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है दो बार किया है याद रखना है ये भी अगर क्वेश्चन नॉलेज में होना चाहिए चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है विच इज गेनाइजेशन है डिजिटल बैंकिंग पार्टनरशिप ठीक है तो डिजिटल बैंकिंग साझेदारी के लिए किन दो संगठनों ने करार किया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा किन ने किया है तो फिनो पेमेंट्स बैंक एंड राजस्थान रॉयल्स फिनो पेमेंट्स बैंक एंड राजस्थान रॉयल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्या बोला गया है फिनो पेमेंट्स बैंक हैज रिन्यूड इट्स एसोसिएशन विद राजस्थान रॉयल्स फॉर द सीजन ऑफ सिक्सटीन ऑफ आईपीएल। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने आईपीएल के सीजन इलेवन के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने सहयोग का नवीनीकरण किया है यानी कि रिन्यू किया है द बैंक मेड इट्स मैटर फॉर इन द मस्ट स्पोर्टिंग इवेंट लास्ट सीजन बाय पार्टनरिंग विद आर आर एज द डिजिटल पेमेंट पार्टनर क्लियर चलेंगे पे, तो भारत ने हाल ही में में किस अन्य देश को भारतीय व्यापार करने की अनुमति दी है ये क्वेश्चन में पूछा गया है राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाव यानी कि बांग्लादेश भी राइट है नेपाल भी श्रीलंका भी एंड भूटान भी राइट right आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ द अब इज द राइट आंसर so far 18 countries have been have opened a special vostro rupee account to settle trade in आई एन आर यानी कि ये कौन कौन सी कंट्रीज होंगी ये देख लेना है मलेशिया है मॉरिशियस म्यांमार यूके रशिया न्यूजीलैंड श्रीलंका ओमान सिंगापुर फिजी जर्मनी गुयाना एंड ये 18 कंट्रीज आपको याद रखनी है ठीक है एक व्यू देख लेंगे याद हो जाएगा सिंपल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डिक्लेयर द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया कैन नाउ बी कंडक्टिंग यूजिंग द इंडियन रूपी एज अ मोड ऑफ सेटलमेंट इन एडिशन टू अदर करेंसीज यानी कि जो फॉरेन मिनिस्ट्री है एक्सटर्नल अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है हमारी विदेश मंत्रालय ने घोषणा की कि भारत और मलेशिया के बीच व्यापार अब अन्य मुद्राओं के अलावा निपटा तरीके के रूप में भारतीय रुपये का उपयोग करके किया जा सकता है याद रखना ठीक है डे बिफोर विच रीअर्म द गवर्मेंट डिटर्मिनेशन टू एस्टैब्लिश द रूपी एज ए ग्लोबल करेंसी ठीक है ये घोषणा जो है एक दिन पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एफटीपी दो हजार तेईस के लॉन्च के बाद की गई है दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बायोलिट्रल ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज एंड रिड्यूस ट्रांजेक्शन कॉस्ट फॉर बिजनेसेस नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है विच गवर्नमेंट एंटिटी रिसेंटली लॉन्च व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज टू इनेबल कस्टमर्स टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज ऑन देयर मोबाइल फोन्स ठीक है तो पूछा गया है कि किस सरकारी संस्था ने हाल ही में ग्राहकों को अपने मोबाइल फोन पर बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं शुरू की हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है राइट right आंसर इसका क्या हो जाएगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को क्या बोलेंगे शॉर्ट में आई ठीक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक India Post Payment Bank launched its WhatsApp banking services in New Delhi, allowing customers to conveniently access banking services on their mobile phones. Okay? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने नई दिल्ली में अपनी व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की जिससे ग्राहक अपने मोबाइल फोन पर आसानी से बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं किस बैंक ने की है याद रखना है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विद लोगो इसको याद रखना ठीक है व्हाट्सएप सर्विसेज शुरू की है ठीक है किसने की है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आई पी पी ने व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज शुरू की है The new WhatsApp banking channel will enable customers to connect with the bank on WhatsApp and access a range of services, including requesting doorstep services. फाइंडिंग द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एंड मोर यानी कि जो नई व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल कस्टमर्स को व्हाट्सएप पर बैंक से जुड़ने और सर्विसेज की एक सीरीज का उपयोग करने में सक्षम करेगा जिसमें डोर स्टेप सर्विसेस का अनुरोध करना निकटतम यानी कि जो नियरेस्ट आपका पोस्ट ऑफिस को सर्च करना और भी इसमें बहुत कुछ सर्विसेज शामिल रहेंगी ये सारी सर्विसेज इसमें शामिल रहेंगी ठीक है इंक्लूडिंग रिक्वेस्टिंग डोर स्ट सर्विसेज फाइंडिंग द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस एंड मोर ठीक है बात करेंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तो इन फर्स्ट है एक सितंबर दो को इसका गठन हुआ था स्थापना हुई थी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एमडी और सीईओ है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जे वेंकट रमो ठीक है किसकी बात हो रही है यहाँ पे आई पी पी बी यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ठीक है चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे Which गेनाइजेशन रिलीज data on India's current account deficit? तो कौन सा संगठन भारत के चालू खाते खाता घाटे पर डेटा जारी करता है सभी को पता होगा न्यूज में रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है आरबीआई रिलीज डेटा ऑन इंडिया करेंट अकाउंट डेफिशिट आरबीआई की बात करेंगे तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आरबीआई के बारे में तो आरबीआई स्टेब्लिश ऑन फर्स्ट अप्रैल 1935 सबको पता हो जिसको नहीं पता है जो न्यू स्टूडेंट्स उनको बता दूं एक अप्रैल उन्नीस को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गठन हुआ था स्टैब्लिश हुआ था इन विद द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट नाइनटीन थर्टी फोर देंट्रल ऑफिस ऑफ आरबीआईलीटअप इन कोलकाता, वाज परमानेंटली मूव इन मुंबई इन नाइनटीन थर्टी सेवन ये मैंने काफी हाईलाइट करके पढ़ाया था कि अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड में भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन आ सकता है कि मुंबई कब शिफ्ट हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस तो मुंबई शिफ्ट हुआ था 1937 में और जब बना था आरबीआई तो एक अप्रैल 1935 को जब स्टैब्लिश हुआ था तो उस टाइम पे हेड ऑफिस कहाँ पे था कोलकाता में चीजें छोटी छोटी चीजें याद रखना ठीक है सर ऑस्ब स्मिथ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द बैंक तो आरबीआई के पहले गवर्नर अगर पूछा जाए क्योंकि 1935 में आजादी से पहले बन गया था तो सर ऑस्टबर्न स्मिथ थे आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर प्रेजेंट में कौन है शक्तिकांता दास आरबीआई के गवर्नर हैं और वो 25वें 26वें गवर्नर है उनका टाइम पीरियड जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है ठीक है इस तरह से क्वेश्चन याद करके चलना पॉइंट सारे याद करते हुए हम चलेंगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कुछ ये सब आप देख सकते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है मैंने एक स्पेशल भी पढ़ाया है आरबीआई के अगर आपने नहीं देखी है वो क्लास तो आप देख सकते हैं अदरवाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीडियो को पॉज करके या पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच मिनिस्ट्री हैज साइन अ डील वर्थ ओवर रुपीज सेवेंटीन हंड्रेड करोड़ तो किस मंत्रालय ने सत्रह करोड़ रुपए से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं ये क्वेश्चन में पूछा गया है किस मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री होम मिनिस्ट्री या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका डिफेंस मिनिस्ट्री ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ठीक है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ओवर सेवनटीन हंड्रेड करोड़ विद ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बी ए पी एल फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन मेरी मोबाइल कोस्टल बैटरीज एंड ब्रह्मोस मिसाइल अंडर द बाय इंडियन कैटेगरी ठीक है तो रक्षा मंत्रालय ने नेक्स्ट जनरेशन मेरेटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के तहत खरीद के लिए ब्रह्मोस एस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1700 करोड़ रुपए से अधिक का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं अमाउंट याद रखना है इसलिए क्वेश्चन लिया गया है कितना अमाउंट है ये 1700 करोड़ कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन की है ये डील ये की है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिफेंस मिनिस्ट्री ने ठीक है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है विच टू कंपनीज हैव अनाउंस ए पार्टनरशिप फॉर लैंडिंग तो किन दो कंपनियों ने सह ऋण के लिए साझेदारी की घोषणा की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है किनने की है इन सब में से राइट right आंसर क्या हो जाएगा एक्सिस बैंक एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ठीक है किसने की है एक्सिस बैंक एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैव जॉइंट हैंड्स अंडर द कोलेंडिंग मॉडल टू प्रोवाइड सिक्योर्ड लोन्स टू मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया ठीक है तो एक्सिस बैंक और श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने भारत के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र यानी कि सेमी अर्बन एरियाज और निम्न आय वर्ग के उधारकर्ताओं यानी कि बोरोवर्स को सुरक्षित ऋण और प्रदान करने के सह उधार मॉडल के तहत ये समझौता किया है किसने किया है एक्सिस बैंक ने एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने ठीक है याद रखना एक्सिस बैंक एंड श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस ने एक जॉइंट हैंड्स अंडर द कोलेंडिंग लैंडिंग मॉडल टू प्रोवाइड सिक्योर लोन सिक्योर लोन किन को तो मिडिल एंड लो इनकम सेगमेंट बोरोवर्स इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया ठीक है, दोनों के यहाँ नाम याद रखने हैं इसमें ऑप्शन में इस तरह से दिया गया सबके साथ है लेकिन आपने राइट आंसर चूज करना है एक्सिस बैंक और किसने किया है श्री राम हाउसिंग फाइनेंस ने ठीक है home loans लैंड प्लेटफॉर्म द Land एम्स टू लेवरेज द फाइनेंशियल एक्सपर्टीज ऑफ एक्सिस बैंक एंड द लोन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी ऑफ processing technology of SHFL टू एस द क्रेडिट प्रोफाइल ऑफ बोरोस एंड प्रोवाइड लोन्स एट कॉम्परेटिव इंटरेस्ट रेट ठीक है एक्सिस बैंक की बात करेंगे सीईओ है अमिताभ चौधरी फाउंडेड 1993 थ्री और हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में ठीक है किसकी बात कर रहे हैं एक्सिस बैंक की चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट वाज द की डिसीजन टेकन ड्यूरिंग द सिक्स हंड्रेड वन मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की छह बैठक के दौरान क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है करेंट ग्लोबलॉमिक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेयर बायर शक्तिकांता दास कंडक्टेड द इट्स हंड्रेड वन मीटिंग्स इन हैदराबाद टू असिट द करेंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन अलॉन्ग विद डिफिकल्टीज ठीक है तो गवर्नर आरबीआई के हैं शक्तिकांता दास उनकी अध्यक्षता में आरबीआई ने सेंट्रल बोर्ड में मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के लिए यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस के साथ साथ कठिनाइयों का आकलन करने के लिए हैदराबाद में अपनी छह बैठक आयोजित की थी ठीक है ये पूछा गया है कि क्या महत्वपूर्ण निर्णय क्या किस चीज पे फोकस रहा तो इस तरह से भी अगर क्वेश्चन आए तो राइट आंसर यही हो जाएगा टू असिस द करेंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है बैठक कहाँ पे हुई है ये भी याद रखना तो हैदराबाद में हुई है कौन सी हुई है तो 601 601 मीटिंग हुई है आरबीआई की ठीक है आरबीआई सेंट्रल बोर्ड की कहां पर हैदराबाद में क्या रहा इसका मेन जो मुद्दा था वो था टू असिस्ट द करेंट ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है हिंदी में बोलेंगे तो मौजूदा वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिस्थितियों के साथ साथ कठिनाइयों का आकलन करना इस बैठक का मेन एम था ठीक है अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट रिलीज बाई आरबीआई ड्यूरिंग इट्स मीटिंग द बोर्ड इवेल्यूटेड ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इकोनॉमिक एसोसिएटेड ऑब्स्टिकल टेकिंग इन टू ऑफ़ ग्लोबल आरबीआई द्वारा जारी एक बयान के अनुसार अपनी बैठक के दौरान बोर्ड ने वैश्विक और घरेलू आर्थिक परिदृश्य के साथ साथ वर्तमान में वैश्विक भू राजनीतिक घटनाओं के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए संबंधित बाधाओं का मूल्यांकन किया है तो ये जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं ये सारा कंटेंट इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चन जो है वो कंटेंट से पूछे जाते हैं इसलिए कंटेंट को कभी मिस नहीं करना है कंटेंट को आपने जरूर पढ़ना है पूछे गए हैं जो प्रीवियस बैक एग्जाम्स हुए हैं ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है इसलिए ये दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है ताकि आप लोग इजीली समझ पाए जिसको जो सुटेबल है कुछ वर्ड्स किसी को हिंदी में टफ लगते हैं तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं उन सारे वर्ड्स को ठीक है दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड किया जाता है कंटेंट उसको आपने जरूर पढ़ना है चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है पी एफ आर डी ए रेज इज एम्बर्समेंट एज लिमिट टू डैश फ्रॉम 65 इयर्स तो पी एफ आर डी ए ने लोकपाल की आयु सीमा को पैंसठ वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दिया है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो कर दिया है सेवेंटी सत्तर साल कर दिया है ठीक है द द द गवर्नमेंट मैक्सिमम एज फॉर पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज फुल फॉर्म ऑफ विद पिक्चर मैंने आपको इसका फुल फॉर्म दिया है पिक्चर में भी आप देख सकते हैं फुल फॉर्म क्या है पी एफ आर डी ए का तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी तो पी एफ आर डी ए के लोकपाल के अधिकतम आ जो है वो सत्तर वर्ष कर, कर दी है पीएफआरडीए समझ में आ गया पीएफआरडीए नाम ही से समझ में आ रहा है सबसे पहला वर्डी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या कर दिया है आ, जो आयु सीमा है वो कितनी है पैंसठ से बढ़ाकर सत्तर साल कर दी है द एम्बर्समेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इवेलुएटिंग एंड हेल्पिंग रिजॉल्व कंप्लेन्ट्स और दैट कम अंडर पी एफ आर डी ए रेगुलेशन ठीक है तो लोकपाल पी एफ आर डी ए नियमों के तहत आने वाली शिकायतों या शिकायतों को प्राप्त करने उनका मूल्यांकन करने और उन्हें हल करने में मदद करने के लिए जिम्मेदार रहेगा ठीक है चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर पी पी आई चार्जेस पीपीआई शुल्क क्या है यह क्वेश्चन में पूछा गया है पीपीआई शुल्क क्या है राइट right आंसर क्या हो जाएगा क्या है पीपीआई शुल्क ऑप्शन ए बी सी डी इनमें से क्या राइट आंसर हो जाएगा चार्जेस फाइड बाय वॉलेट्स फॉर एडिंग मनी टू द अकाउंट इज कॉल्ड पीपीआई चार्जेस पीपीआई चार्जेस पूछा गया है ठीक है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर स्टार्टिंग टू अकॉर्डिंग टू अ सर्कुलर पी बाय NPCI. तो एनपीसीआई द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार एक अप्रैल से पीपीआई का उपयोग करके यूपीआई के माध्यम से लेन देन करने वाले व्यापारियों पर शुल्क लगाया जाएगा ठीक है द एनपीसीआई शूड सर्कुलर स्टार्टिंग दिट मर्चेंट्स कंडक्टेड ट्रांजेक्शन ऑन द यूपीआई यूजिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट फुल फॉर्म पता है पीपीआई का वो होता है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विल बी चार्ज ऑन इंटरचेंज फी ऑफ वन पॉइंट वन परसेंट ऑन द ट्रांजेक्शन अमाउंट ओवर रुपीज टू थाउजेंड ठीक है ये हम डिस्कस कर चुके हैं इस क्वेश्चन को कितने अमाउंट पे दो हजार चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है Who has been appointed as a new MD and CEO of Access Securities? Access Securities पूछा गया है याद रखना Access Bank नहीं ठीक है तो MD CEO जो किसको appoint किया गया है Access Securities के तो Access Securities के नए MD और CEO के रूप में appoint किया गया है Right answer क्या हो जाएगा प्रणव हरिदासन ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्या नाम है इनका प्रणव हरिदासन प्रणव हरिदासन हैज़ द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ एक्सेस सिक्योरिटीज फॉर द नेक्स्ट थ्री इयर्स तो अगले तीन साल के लिए उनको एक्सेस सिक्योरिटीज का नया एम डी एंड सीईओ अपॉइंट किया गया है इस पिक्चर में आप देख सकते हैं इनका नाम क्या है प्रणव हरिदासन इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट प्रोवाइड किया है ये आपने वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ना है कंटेंट इम्पोर्टेंट होता है ये मैं आपको अपनी हर क्लास में बताती हूँ कि कंटेंट एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है तो पी गोप कुमार हु इज करेंटली द एम डी एन सी एक्सेस सिक्योरिटी हैज बिन ट्रांसफर टू एक्सेस नेजेंट कंपनी एस एम डी सी ओ ठीक है तो अभी प्रेजेंट में कौन थे पी गोप कुमार MDCO थे जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है कहां पर तो एक्सेस एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एम डी सीओ किस को बी गोप कुमार को ऐसे ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट है हिंदी इंग्लिश दोनों में जो सुटेबल है जो ऊपर है वो इंग्लिश में है सेम कॉन्टेंट आपको हिंदी में दिया गया है नीचे वाले पॉइंट में दोनों देख सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन तो अगर अगर होगा तो हम हमारा क्या राइट right आंसर हो जाएगा ईपीएफओ हाइक इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड टू डैश परसेंट फॉर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री वट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या राइट right आंसर हो जाएगा इसका 8.15 परसेंट ठीक है तो ईपीएफओ ने 2022 23 के लिए कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर 8.15 परसेंट तक बढ़ा दी है कितनी बढ़ाई है 8.15 परसेंट ईपीएफओ हैज इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डिपोजिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ई पी एफ ओ का फुल फॉर्म पता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन At its meeting, the retirement fund body has fixed the interest rate at 8.15%. However, this rate is subject to approval by the Ministry of Finance, which ratifies the interest rate provided by the EPFO. The interest rate for EPF deposits for the previous year was 8.10%, which was the lowest in over 40 years. So EPF Jamakelia bears 8.10% परसेंट थी जो 40 से अधिक वर्षों में सबसे कम रही थी ठीक है और अभी कितना है 8.15% परसेंट। चलेंगे नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है एसएनपी कीप्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस अनचेंज्ड एट कितने परसेंट पे रखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 राइट right आंसर क्या हो जाएगा 6% इज़ द राइट आंसर रहेगा ने दो हजार चौबीस के लिए भारत की आर्थिक के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को सिक्स परसेंट पर अनचेंज यानी कि अपरिवर्तित रखा है रेटिंग एजेंसी है इनके जो डेटा है प्रोडिक्शन है वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है जब भी एग्जाम देने जाए करंट क्लास करंट वीडियो ही देख के जाए क्योंकि अगर आप छह महीने बाद एक साल बाद भी इसको पढ़ेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इसलिए आपने करंट क्लास ही जरूर देखनी है जब भी आप एग्जाम देने जाएंगे तो एस एन पी ग्लोबल रेटिंगल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल विद फर्दर इंक्रीज टू सिक्स पॉइंट नाइन इन द फॉलोइंग ईयर ठीक है तो एस एन पी ग्लोबल रेटिंग्स ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर के सिक्स परसेंट के अपने पहले के अनुमान को बनाए रखा है और अगले वर्ष में सिक्स पॉइंट नाइन परसेंट की वृद्धि के साथ बनाए रखा है ठीक है इसी के रिगार्डिंग है कंटेंट आप देख सकते हैं जीडीपी प्रिडिक्शंस के रिगार्डिंग क्या क्या रहा है प्रीवियस इंस में क्या क्या प्रोडिक्शन है वो सब आप देख सकते हैं चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे विच बैंक हैज पार्टनर्ड विथ टू डेमोस्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट्स तो ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए किस बैंक ने क्रंचफ के साथ साझेदारी की है ये क्वेश्चन में पूछा गया है तो वो की है आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ने आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक टू डेमोस्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट तो आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक ने ऑफलाइन खुदरा भुगतान प्रदर्शित करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने के लिए स्वीडिश कंपनी क्रंचफ फिश के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है ठीक है तो आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक लिमिटेड पार्टनर्स विद क्रंचफिश टू डेमोस्ट्रेट ऑफलाइन रिटेल पेमेंट क्रंचफ जो है वो एक स्वीडिस कंपनी है इसी के रिगार्डिंग है अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट हिंदी इंग्लिश दोनों में ही जैसे मैं आपको बताती हूं आपने कॉन्टेंट जरूर पढ़ना है जरूर पढ़ना है जरूर पढ़ना है ठीक है लाइन बाय लाइन बैक के वीडियो को पॉज करके या फिर डाउनलोड करके ऐसे ऐसे पढ़ना है द बैंक इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पायलट प्रोजेक्ट दट एम्स टू इनेबल ऑफलाइन पेमेंट तो आरबीआई के पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने के लिए बैंक जा रहा है जिसका उद्देश्य क्या है ऑफलाइन भुगतान को सक्षम करना है द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल पेमेंट

पार्ट ऑफ दिस पायलट प्रोजेक्ट बाय एच डी एफ सी बैंक आई डी एफ सी बैंक आई डी एफ सी फर्स्ट बैंक का हिस्सा बनने वाले कुछ बैंकों में से एक होगा तो हमने कवर किया हमारे अप्रैल मंथ का बैंकिंग का पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री जल्दी लेके आऊंगी कंप्लीट पीडीएफ आप लोग पार्ट थ्री आने के बाद नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं तो क्लास को खत्म करते हैं जल्दी सारी क्लासेस जल्दी से जल्दी सारी क्लासेज लाने की मेरी कोशिश रहेगी ताकि फटाफट से आपका सारे जो वीडियो छूट चुके हैं पीछे वो कवर हो जाएं और फिर से फ्लो में आ जाए जल्दी से जल्दी सभी कुछ ठीक है तो जो वीडियो हमारे रह गए हैं अप्रैल मई मंथ का वो पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए जाए विद कंटेंट सारे वीडियो सारे पीडीएफ ठीक है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए आइकन जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके अदर स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए चैनल का कर, चैनल का नाम अदर स्टूडेंट्स को जरूर बताइए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग